प्रैक्टिकली एक भी बात बताऊं, देखो अमेरिका में एक बहन है अभी भी, अभी एक दो साल के बाद एक कन्या थी, उसकी इच्छा थी मैं ब्रह्मा कुमारी टीचर बनूं। अभी जवाब आपको देना है माताओं को, ठीक है, इसलिए पहले बताता तैयार रहना। तो वो कन्या चाहती थी मुझे टीचर बनना है, और सेंटर में जाती थी नंबर वार, बहुत अच्छा लेक्चर भी देती थी। लेकिन पिताजी गवर्नमेंट बहुत बड़ा कंपनी का ऑफिसर था, पिताजी स्वामी नारायण को मानता था, तो वो नहीं चाहता था ये कन्या ब्रह्मा कुमारी बने। उसको शादी करके, स्वामी नारायण के एक डॉक्टर को शादी करके अमेरिका भेज दिया। अभी कम से कम 10 की 20 साल हो गया। जब वो बचपन में मधुबन में आती थी तब हमारा कोई क्लास सुना होगा तो व्हाट्सएप पर आजकल नाम पता चल जाता है कि नंबर हमारा वही था। तो उसने एक दिन मैसेज भेजा, भाई जी आप वही रामनाथ भाई है? तो मैंने कहा कोई पूछता है कोई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन फोन किया तो हमने कहा हाँ। 2 साल तक रोज रात को 11 बजता है भारत में और उनका बनता है 6 बजे। बच्चे उनके 2 है, वो स्कूल से आते हैं, उसके बाद ले आने के बाद वो फोन करते उनके घड़ी में नच्चे इतना अपने भारत में रात को 11 से 12 2 साल तक रोज प्रश्न पूछते थे, भाई जी ये ऐसा, ये ज्ञान में ऐसा, ये कैसे करो, ये कैसे। एक दिन पूछा, भाई जी पति देवता है, कुछ नहीं बोलता है, और अमेरिका स्वर्ग है, कैसे? कहते मैं मार्केट से कोई चीज ले आती हूँ, कब घर में आने के जो खराब है जाके देती हूँ, वो लेता है और दूसरा देता है। कहते स्वर्ग है, लेकिन एक काटा रोज चुभता रहता है। वो कौन सा काटा है? वो कहता है घर में पिताजी और माताजी, माना सास और बहू, कौन ससुर, पति का माता माँ बाप है, बुजुर्ग है, माताजी सारे दिन में बैठे बोलती रहती है आपने ऐसे नहीं किया, आपने मेरे बेटे को ऐसे किया। पति कहता है आपको मैंने कभी कुछ कहा है क्या? आप क्यों सोचते हो, आप चुप रहो, सुनते रहो। लेकिन कहते हैं मेरे का इधर सिर में एक कांटा चुपता रहता है, रोज वो बोलती रहती है। तो भाई जी मैं क्या करूं? अरे आप बताओ, आपको भी कुछ प्रश्न देना पड़ेगा ना, बताओ, माता जी बताएंगे। बहू कहती है मैं सब कुछ करती हूँ, समय पर उनको खाना देती हूँ, उनकी सब सेवा करती हूँ, लेकिन सारा दिन कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, आपने मेरे बेटे को ऐसा किया, आपने घर बिगाड़ दिया, आपने ऐसा किया, कुछ ना कुछ बहुत गलत बोलती रहती है। और पति को भी बोला, पति कहते मैंने आपको कभी कुछ बोला, कुछ कहा? तो वो बुजुर्ग है, बोलते बोलने दो। भाई जी मुझे वो कांटा चुभता था, मेरे मन जीवन का अशांति का कारण है, तो उसका कुछ निवारण आप बताओ। ऐसा कहे और बताओ क्या करे, मन में तो सुनाई देता है ना, गलत घर में अकेली है, बच्चे छोटे दो, तो सास बहू है, पिताजी है, ससुर और ससुर है, तो वो बोलती रहती कुछ ना कुछ, और ऐसे शब्द बोलती है, मेरे बेटे को आपने ऐसा किया, हमारे घर बिगाड़ दिया, हमारे ऐसे किया, ऐसे ही बोलती रहती कुछ ना कुछ। तो क्या करे, हिसाब किताब तो है, लेकिन क्या करे, कांटे को निकालना चाहिए, माँ बाप को छोड़ के अलग रहे। आजकल ऐसे ही करते हैं, सास बहू, सास बहुत बोलती है छोड़ दो, पति को लेके अलग रहते हैं। तो वो कहती है क्या करूं मैं, इसका कोई निवारण आप बताओ। आज माँ बाप बच्चे से अलग क्यों हो रहे हैं? इसी के कारण। तो क्या करें? तो मैं फिर आपने क्या जवाब दिया पता है? अरे आप बताए, हमने कहा सुनता रहेगा पहले, हमने कहा बहन जी आपके पास घर में कुत्ता होता है अमेरिका में? कहते हाँ, भारत में भी कुत्ता होता है, बांध के रखते हैं, वो एक पत्ता गिर गया तो भी भू भू करता है, कोई लोग कोई रास्ते पर जाता है तो भी भू भू करता है ना, करता है ना। तो मैंने कहा आपके अमेरिका में कुत्ता होता है? कहता हाँ, बांध के रखते हैं उसको दरवाजे पर, तो वो पत्ता भी गिरता है तो भी आवाज करता है, कोई रास्ते पर जाता है तो भू भू करता, आप क्या करते हो? तो पूछा, कुछ नहीं पता है, वो भू भू करता रहेगा, आप समय पर उसको खाना खिलाते हो? कहते हाँ, तो उसके लिए आप क्या करते हो? कुछ नहीं। ऐसे ही घर में भी आपके अंदर एक कुत्ता है, वो कुछ बोलता भू भू करता रहता है, आप सुनते हुए भी चुप रहो, तक उस दिन से आज तक फोन नहीं है, सुना? तो ऐसा प्रैक्टिकल चाहिए, तो कुत्ता तो घर में है,
रास्ते पर जाता है तो घूमू करता रहा है। हमने कहा आपके पास है, कहते हमारे पास भी है, आप क्या करते हो? वो घूमू करता बार बार जाकर चुप रहो, उसको कुछ करते हो नहीं। एक पत्ता भी गिर गया तो भी आवाज करता है, बोलता रहे, कुछ करता रहता है, कोई भी रास्ते पर जाता है देखता है। तो आपके घर में भी एक बांध के कुत्ता रखा है तो वो अपने आप भूभू करता रहता है, आप क्या करेंगे? तो कुछ सहन करना है, कुछ डोंट केयर करना। बोलते हैं बोलने दो, आपको कुछ नहीं होता है। हमने फिर भी उसको कहा दूसरा निवारण जो माता जी कह रही थी, मन में बार बार सोचना शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं। अब उनका बुजुर्ग है, वो जानबूझ के नहीं बोलते थे, बच्चे जानबूझ के रोते नहीं, माता जी उसको मारते रहे, वो जानबूझ के समझ है, उसको समझ नहीं है, सहन करना पड़ता है ना। ऐसे ही वो जानबूझ के नहीं करते, उनकी आदत बनी है, बुजुर्ग है, कुछ बोलते रहते हैं। सुने दो, आपके मन में क्या है शिव बाबा, ये आपके बच्चे हैं, इस आत्मा को शांति का आप शुभ विचार दे दो, वो गलत बोलती है बोले दो। तो ये सहन करने की शक्ति चाहिए, हो सकता है? बताओ, पति बच्चे बहू सास कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, सहन करने की शक्ति चाहिए। तब बाबा ने कहा योग की शक्ति से ही, ज्ञान से ही हम क्या बनेंगे? सत्संग से सत गति बनेंगे।